पच्छाद उपचुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसी चुनौती जिसकी बीजेपी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। यहां बीजेपी के ही दो नेता बागी हो गए हैं। दरअसल ये दोनों ही उम्मीदवार टिकट की दौड़ में थे, मगर रीना कश्यप को टिकट दिए जाने के बाद ये दोनों बगावत पर उतर आए। हालांकि मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि पच्छाद सीट पर बीजेपी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने पच्छाद के साथ साथ धर्मशाला की सीट पर भी जीत का दावा किया। पच्छाद उपचुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसी चुनौती जिसकी बीजेपी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। यहां बीजेपी के ही दो नेता बागी हो गए हैं, जिसमें पूर्व जिला परिषद चेयरमैन दयाल प्यारी वो युवा नेता आशीष सिकटा शामिल हैं। दरअसल ये दोनों ही उम्मीदवार टिकट की दौड़ में थे, मगर रीना कश्यप को टिकट दिए जाने के बाद ये दोनों बगावत पर उतर आए और बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल किया। हालांकि मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि पच्छाद सीट पर बीजेपी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने पच्छाद के साथ साथ धर्मशाला की सीट पर भी जीत का दावा किया। वहीं गुटबाजी को लेकर कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और छोटी मोटी बातें बड़े परिवार में हो ही जाते हैं, जिसे जल्द सुलझा लिया जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और यहाँ पे समस्त मुख्यमंत्री जी का और यहाँ पे पच्छाद की जो जनता है जिसमें इतना जोश है, इस सबको देखते हुए मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो हमारा परिवार है, वो सब हमारे साथ है, सब और साथ सब बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। बीजेपी से बागी हुई दयाल प्यारी वो आशीष सिकटा ने कहा कि पार्टी ने अंतिम समय में टिकट बदला है। दोनों नेताओं का कहना है कि पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के दबाव के चलते और धन बल के कारण अंतिम समय में कितने बदलाव किए गए। उन्होंने पच्छाद क्षेत्र के बीजेपी नेताओं पर इशारों ही इशारों में खूब निशाने पर लिया। दयाल प्यारी ने मीडिया को और रो रो कर अपनी दास्तां सुनाई। सबसे पहले तो मैं कुछ बोलने की उसमें नहीं हूँ। पार्टी के साथ मैंने 77 से मेरे फादर इन लॉ ने बहुत काम किया और मेरी फैमिली जो है भारतीय जनता पार्टी से जुझी हुई है। मैं मोदी जी तक अपनी आवाज भी पहुंचाना चाहती हूँ इसके माध्यम से कि जिला सिरमौर में और यहाँ पर जो तानाशाही हो रही है वो किस लिए हो रही है। मेरी एक न्याय की लड़ाई है। मेरे पास ना धन है ना मेरे पास बल है, लेकिन मेरे पास जो मेरा गरीब कार्यकर्ता है वो मेरे साथ है, जो मुझे न्याय दिलाएगी। आज मैं मोदी जी से भी निवेदन करना चाहती हूँ। जयराम जी को बार बार बोला कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ बार बार धोखा हो रहा है, लेकिन किसने कुछ नहीं सुना। क्योंकि आज जो मैं नॉमिनेशन भर रही हूँ सिर्फ एक न्याय के लिए भर रही हूँ। मुझे मेरी गरीब की जनता का आशीर्वाद है और ईश्वर का आशीर्वाद है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि विजय श्री होगी। और जब जब बताया है कि पृथ्वी पर ज्यादा पाप बड़ा है, नवरात्रे चले हैं, दुर्गा थी, अब काली का रूप धारण करना पड़ेगा, इसी के साथ मुझे हिम्मत के साथ अपने गरीब जनता की अगर सेवा करनी है तो आज गरीब जनता मेरे साथ होगी। और गरीब जनता के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वही कांग्रेस भी पच्छाद सीट पर जीत का दावा कर रही है। उम्मीदवार गंगूराम मुसाफिर के साथ नामांकन करवाने पहुंची पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सिंह राठौर ने कहा कि इन उपचुनाव में कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा जयराम सरकार का 1.5 साल का कार्यकाल नाकाम रहा है और जनता इस सरकार से तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास की रफ्तार थम गई है और जो भी काम हुए हैं वही उम्मीदवार गंगूराम मुसाफिर ने टिकट देने के लिए पार्टी हाईकमान का आभार जताया और उम्मीद जताई है कि वे पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार आशीष सिकटा और बीजेपी के समर्थक आमने सामने हुए। इस दौरान कुछ समय के लिए बाहर भी तनावपूर्ण हो गया। कुल मिलाकर पच्छाद में चुनावी जंग और रोचक हो गई।